Hello and welcome back to the Aquarius World. And today's video topic is right way to feed your fish. And friends, this video will be the first video ever on YouTube till now, because no other channel has been covered through this topic, right way to feed your fish. And the trick which I'm going to show you at the end of this video is also not covered in any other channel in YouTube in India as well as in foreign. So stay tuned in this video. And if you're not comfortable with Hindi, then you can turn on the subtitles. I also added the subtitles in this video for the foreigners who are not from India and they are not comfortable with Hindi. So turn on the subtitles. So let's get started, friends. So जैसा कि मैंने बताया कि जो आज का टॉपिक है अपना, वो है राइट वे टू फीड योर फिश. आपको अपने जो फिशेस हैं उसको जो खाना खिलाने का तरीका होता है वो कैसा सही होता है, ये अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी कवर नहीं किया गया है और इस तरीके की कोई भी वीडियो भी नहीं आई है अभी. और एक मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इस वाली स्विंच को यूज़ करके, तो वो ट्रिक भी अभी तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे, और वो मेरी वीडियो के एंड में होने वाली है. ये वीडियो पूरी देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फिश कीपर्स के ऊपर, फिश कीपर्स के लिए जो भी मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं प्रेजेंट में. 95% ऑफ व्यूअर्स जो मेरे हैं उनको ये वाली ट्रिक नहीं पता होगी और उनको नहीं पता होगा कि कौन सी फिश को किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए. सब ने गोल्ड फिश, ऑस्कर, एरवानास, अलग अलग टाइप के स्टिंग रेस पाले होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको खाना खिलाना कैसे है, वो कौन से ड्वेलर्स हैं, कौन से ईटर्स हैं. तो ये सब होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो सबसे पहले अपनी जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको एक्वेरियस वर्ल्ड के थ्रू मिले. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देना चाहता हूँ और उसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगा वीडियो में कि डिफरेंस क्या होता है मैं जो ट्रिक दिखाने वाला हूँ उसमें और जो आप लोग रेगुलरली करते हैं उसमें. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ग्लास लिए हुए हैं वाटर के, आप देख सकते हैं. तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑप्टिमम थ्रीनमेंट डालूंगा. सॉरी, ये एनी का फूड है लेकिन इसमें ऑप्टिमम भरा हुआ है क्योंकि खाली हो गया था. तो इसमें ऑप्टिमम पिंक प्लस ऑप्टिमम थ्री इन वन, ये दोनों मिक्स्ड हैं. तो इसमें मैं थोड़ा सा इसका जो पैलेट्स हैं वो इसमें डालूंगा और इनका मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा रिजल्ट. ये मैंने इसमें डाल दिया और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, ये श्रिम्प्स हैं मेरे पास, एकदम बिल्कुल फ्रेश श्रिम्प्स, फ्रेश ड्राइड श्रिम्प्स, क्योंकि मैं शॉप से नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, एकदम फ्रेश मिलते हैं और इसमें जो कंटेंट रहता है मीट का वो भी ज़्यादा रहता है, तो यही लेता हूँ. तो इसको क्रश करके अपन थोड़े से श्रिम्प इस वाले ग्लास में डाल देंगे. ये सब मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं मुझे आपको कुछ दिखाना है इसकी वजह से और कुछ बातें क्लियर करनी है कि अपन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो चलिए, मैंने इसमें दो चार श्रिम्प ऐड कर दिए, डाल दिए वाटर में. इसको अच्छे से डुबा देंगे थोड़ा, अगर डूब जाए तो बस. चलिए अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले अपन को समझना होगा कि अपना जो फिश है, अपनी जो फिश है अपने एक्वेरियम में, वो कौन से टाइप की ईटर है और कौन से टाइप की ड्वेलर है. क्योंकि जो ईटर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटर होते हैं फिश में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्वेलर होते हैं. ईटर और ड्वेलर दोनों ही अलग चीज़ें हैं. जैसे कि जो एरवाना होता है वो सरफेस ड्वेलर होता है प्लस सरफेस ईटर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि और भी जो फिशेज हैं वो सरफेस ड्वेलर हों, वो साथ ही साथ सरफेस फीडर भी हों. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट वे टू फीड योर फिश के लिए, कि आपको सही तरीका तभी समझ में आएगा जब आपको समझ में आएगा कि आपका फिश कौन सा टाइप का ईटर है. तो बेसिकली तीन टाइप के ईटर होते हैं, सरफेस ईटर, मिडिल ईटर एंड बॉटम ईटर. सरफेस ईटर वो होते हैं जो पानी के एकदम सरफेस पे आके फूड लेते हैं, और जो मिडिल ईटर होते हैं वो होते हैं जो पानी के जब बीच में रह जाता है फूड तब ईट करते हैं फूड, और जो बॉटम ईटर्स होते हैं वो होते हैं जो बॉटम में जाता है फूड वो ईट करते हैं. अब इन कम एग्जांपल दे देता हूँ आपको. जो सरफेस में फीड लेता है वो होते हैं एरवानास वगैरह जो सरफेस में फीड लेते हैं, और जो मिडिल में फीड लेते हैं वो होते हैं गोल्ड फिश वगैरह और शार्क्स वगैरह, ये सब सरफेस मिडिल में लेते हैं. और जो बॉटम में लेते हैं वो लेते हैं अपने जो बिचर स्निगल बिचर्स होते हैं वो, और जो स्टिंगरेज होते हैं वो. तो ये हो गए तीन टाइप्स के फीडर. तो अपन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अपना कौन से टाइप का फीडर है. जैसे कि अगर अपन ऑस्कर को देखें तो ऑस्कर भी एक मिडिल फीडर है, लेकिन वो सरफेस पे आके एग्रेसिवली फूड खाता है क्योंकि उसको फूड दिखता है ऊपर, इसलिए. लेकिन अपन को उसको ऐसे फूड नहीं देना होता है, उसको भी अपन को सिंक करके ही फूड देना होता है. और मेनली ऑस्कर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मेनली जब गोल्ड फिश होता है उसको मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वीडियो, 95% उसको सिंकिंग पैलेट्स नहीं देते होंगे, फ्लोटिंग पैलेट्स ही देते होंगे. तो मैं 100% जानता हूँ, क्योंकि सिंकिंग पैलेट्स महंगे भी आते हैं, थोड़ा अवेलेबल होना भी मुश्किल है. तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में कि आप जिसमें कोई से भी फ्लोटिंग पैलेट्स को सिंकिंग पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ सेकंड. एक दो सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें. और अब अगर पहले अपने ये श्रिम्प्स भी दे रहे हैं
तो श्रिम्स को भी आप कैसे सिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्टिंगरेज वगैरह को फीड करने के लिए, बिचर्स को, तो ये सब वीडियो में होने वाला है। तो जो गोल्डफिश होती है उसको मैक्सिमम लोग उसको फ्लोटिंग पैलेट्स ही देते हैं, वो गोल्डफिश ऊपर आके ही खाती है सरफेस पे खाना, और जब वो खाना खाती है तो जो पैलेट्स होते हैं उसमें तो एयर होती ही होती है जिसके थ्रू वो तैर रहे होते हैं ऊपर। साथ ही साथ वो जब फूड लेती है गोल्डफिश वाला तो उसके माउथ में थोड़ी बहुत एयर और चली जाती है जिसके थ्रू लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ उसको ब्लोटिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है उसके पेट में, जिसकी वजह से एट टू एंड उसकी डेथ हो सकती है, या तो फिर उसको अपन क्योर करते हैं तो वो बच भी जाती है, लेकिन उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाती है फिर वो फिश। इसलिए उसको हमेशा सिंकिंग पैलेट्स ही देने चाहिए जो कि सिंक हो जाएं पानी में, और वो जब वो बीच में आए तब वो खा लें उस चीज़ को। और जब एरवानास है उसको तो अपन फ्लोटिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सरफेस ईटर है और साथ ही साथ सरफेस ड्वेलर भी है। और जो स्टिंगरेज होते हैं उसको अपन को एकदम बॉटम में देना होता है फीड, क्योंकि स्टिंगरेज थोड़े शाय फिश होते हैं, वो खाना खाने ऐसे नहीं आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है, और प्रॉपरली सेट होते हैं टैंक में तभी वो, जब उनको खाना बहुत देर तक नहीं मिलता तभी वो सरफेस पे आते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन उनको फीड अपन को बॉटम में ही देना चाहिए, तो उनके लिए भी सिंकिंग पैलेट्स या तो फिर मीट वगैरह अपन को सिंक करके ही देना होता है, तो उसका यूज़ करते हैं अपन ये वाला पाइप के थ्रू। तो इसका भी मैं भी आपको सबका एकदम डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस चीज़ को कैसे फीड देना है अपन को इस वाली वीडियो में। तो ये हो गया, सबसे पहले अपन ने देख लिया कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के फीडर्स होते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स के ड्वेलर्स होते हैं, और क्या डिफरेंट होता है इनमें, अपन ने ये देख लिया। अब आ जाते हैं पॉइंट में कि आप लोग किस तरीके से अपने फिशेस को फीड देते हैं और क्या गलत होता है और क्या सही होता है देना। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से फीड देते हैं लोग वो ये रहता है कि जैसे समझिए एक टैंक है, उसमें एरवानास हैं, उसमें ऑस्कर्स हैं और उसमें स्टिंगरेज भी हैं साथ ही साथ। तो क्या करेंगे अपन लोग, अपन जाएंगे अपना फीड वाला डिब्बा उठाएंगे, कार्निवोरस पैलेट्स वगैरह जो भी अपन फीड देते हैं वो ऊपर डाल देंगे। और बहुत लोग करते हैं ये कि वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत एरवानास खा जाएंगे, जब उनका पेट भर जाएगा वो रुक जाएंगी, तो जो थोड़ा बहुत फीड बचेगा वो फूलेगा उसमें, और फूलने के साथ साथ वो सिंक होगा नीचे पानी में, और सिंक होने के बाद जब नीचे सरफेस पे तो एरवानास और ऑस्कर खा लेंगे, लेकिन जब वो सिंक होगा, सिंक होकर नीचे जाएगा तो उसको स्टिंगरेस खा लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब अपन डालते हैं फूड को किसी, अगर वो इंस्टेंटली नहीं खाया गया फिश के फिश से एक मिनट के अंदर, तो वो फूड बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो अमोनिया वगैरह क्रिएट करने लगता है, उससे कि अमोनिया स्पाइक्स होती हैं और वो फूड मतलब ख़राब हो जाता है कुछ टाइम, मतलब अराउंड 3 से 4-5 मिनट तक खराब हो जाते हैं फूड पानी में। तो ज़्यादा देर तक फूड नहीं डाला रहना चाहिए, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा अगर फिश नहीं खा रही तो उसको हटा देना चाहिए टैंक से, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसका वेट करते हैं तब वो सिंक होए और कब मेरा स्टिंगरे उस फूड को खाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वो स्टिंगरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा और वो आपकी एक्वेरियम साइकिल के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और उससे मतलब बहुत ज़्यादा गंदा भी होगा आपका एक्वेरियम। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा बेकार पॉइंट होता है। अगर आप करते हैं तो सॉरी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेकार होता है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, और जो मैं अभी आपको आगे ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो अपनाइए, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी और इफेक्टिव काम करेंगे आपकी इस हॉबी में। तो ये वाली वीडियो ज़रूर तक एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन एक और पॉइंट पे। तो जो सेकंड पॉइंट है अपना वो है जो सोक करके खिलाते हैं फिश फूड अपने फिशेस को। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, एक कंटेनर लेते हैं पानी का, उसमें जो फिश फूड होते हैं बड़े पैलेट्स या छोटे पैलेट्स या श्रिम्प्स उसमें डाल देते हैं, और उसके 10-15-20 मिनट बाद जब वो एकदम फूल जाते हैं और सिंक हो जाते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ मैक्सिमम टाइम तो वैसे सिंक नहीं होते हैं, उसको दबा के ही सिंक करना पड़ता है, तो वैसे खिलाते हैं सिंकिंग करके, जो भी खिलाता है जिसको ही पता है रहता है कि कौन सा टाइप का फीडर है, किस तरीके से खिलाना चाहिए खाना, तो वो इस तरीके से खिलाता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये तरीका भी बहुत ज़्यादा गलत है, इसके भी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब अपन किसी वाटर में पैलेट्स डालते हैं, सबसे पहले जो उसकी स्मेल होती है, जिस स्मेल की वजह से फिश खाना खाती है, वो स्मेल उसके पानी में चली जाती है। हाल सेकंड, जो फूड होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है एकदम पूरा, मतलब उसको आप पकड़ के पूरा रब करोगे तो एकदम हलवे जैसा, मतलब पूरा बिटर जाएगा फूड एकदम, मतलब वो फूड ख़राब हो जाता है एक्चुअली अगर उसको थोड़ा और टाइम तक डरे अंदर, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है जिसकी वजह से वो फूड सड़ने भी लगता है, अमोनिया भी क्रिएट करता है, और फिर वही फूड अपन फिश को खिलाएं तो वो फिश को भी हार्म कर सकता है। और साथ ही साथ जो अपने श्रिम्प्स को अपन ऐसे सोक करवाते हैं वाटर में, तो श्रिम्प बहुत ज़्यादा जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ लेता है अपन में अपने अंदर, और बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ने लगता है पानी में, इसलिए इसको इस तरीके का मतलब खाना नहीं खिलाना चाहिए फिश को। इसमें मतलब सिंक भी नहीं होते प्रॉपरली, आप देख सकते हैं मुझे इसमें डाले हुए कितना टाइम हो गया, और गिने चुने सिर्फ एक पैलेट सिंक हुआ है और इसमें एक श्रिम्प सिंक हुआ है बस, सारे अभी तैर रहे हैं, इतने टाइम हो गया मुझे, अराउंड अभी 10 मिनट हो चुके हैं वीडियो को शूट चालू करे हुए, मैं इसमें डाले हुए इसको, और अभी तक एक भी पैलेट्स उसमें सोक नहीं हुआ है। इसमें ऑप्टिमम 3-in-1 गोल्ड और ऑप्टिमम पिंक वाला है गोल्ड फिश वाला,
तो आप देख सकते हैं रिजल्ट। अभी मैं आपको इसको क्लोज में भी दिखाऊंगा और डिफरेंस दिखाऊंगा कि जो मैं सिरिंज से बनाता हूँ सिंकिंग पैलेट्स, और साथ ही साथ इसमें लगते हैं अराउंड 10 से 20 मिनट और इसमें लगते हैं सिर्फ 1 से 2 सेकंड, और 110 सेकंड के साथ साथ इसमें फूड भी ख़राब नहीं होता है, स्मेल भी नहीं जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वाली ट्रिक देखना ज़रूर एंड पे वीडियो के। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है भाई, अराउंड मुझे को आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इसमें डाले हुए, लेकिन ये पैलेट्स अभी तक सिंक नहीं करे हैं। मुझे पता है सिंक नहीं करते हैं, ऊपर भी फ्लोट करते रहते हैं। जब इसको भी अपन ऐसे प्रेस करेंगे और उसको दबाएंगे तब जाके ये सिंक होंगे। देखिए वो एक सिंक हुआ, और ऐसे अपन करेंगे तो सारे सिंक हो जाएंगे। लेकिन आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि ये एकदम ख़राब हो जा रहे हैं पैलेट्स, ये देखिए ये एकदम ख़राब हो जा रहा है पैलेट, देख रहे हैं। तो ये पैलेट्स, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, अमोनिया क्रिएट करने लगा है। तो इसलिए अपन को इस तरीके से पैलेट्स सोक करके फीड नहीं देने चाहिए फिशेस को। ये सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ख़राब तरीका है फिश को फीड देने का। और साथ ही साथ अभी आपको श्रिम्प्स में भी दिखाते हैं, ये श्रिम्प्स देखिए, ये श्रिम्प्स ये भी सिंक नहीं हुए हैं। इसको भी मैं भी इसको प्रेस करूंगा जब वाटर के अंदर, तब जाके ये सिंक होगा। ऑफ श्रिम्प जब ख़राब होता है वाटर में तो उसके में एक खास बात होती है उस आइडेंटिफाई करने की, आसपास उसमें वाइट कलर का एक फंगस टाइप चीज़ जम जाती है, और इसमें वो जमना स्टार्ट हो गई है। मुझे अभी यहाँ से नेकेड आइट से दिख रहा है, हो सकता है कि आपको कैमरे से विजिबल ना हो, हो सकता है कि विजिबल हो तो आपको थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के देखें तो हो सकता है विजिबल हो वो आपको कैमरे से, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मैं फोकस और करके देखता हूँ अगर विजिबल हो पा रहा है तो, शायद हो पा रहा हो आपको भी। तो ये भी ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से अपन को इसीलिए इसको भी नहीं देना है सोक करके, ये होता है ख़राब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिरिंज वगैरह का यूज़ करके कर देते हैं, तो ये जो सिरिंज वगैरह होती है इसका जो यूज़ करके देते हैं फीड वगैरह, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो उसमें डिफरेंस क्या होता है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा खराब चीज़ होती है, ऐसे फूड नहीं खिलाना चाहिए फिशेस को कभी भी। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में, वो है पाइप मेथड। जिनके पास भी बाईशाप, स्निगल्स और स्टिंगरेज वगैरह होते हैं, ये उनको पता होगा पाइप मेथड होता है। क्या करते हैं इसमें, जब भी स्टिंगरेज जैसे एरवाना, ऑस्कर्स और स्टिंगरेज पालें अपने एक मॉन्स्टर टैंक में, तो आपने फीड डाला तो एरवाना तो फीड ले लेगा, ऊपर से ऑस्कर भी ले लेगा एग्रेसिवली, लेकिन जो स्टिंगरेज वगैरह हैं वो थोड़े शाई फिश हैं, और वो शाई फिश होते हुए इसलिए वो ऊपर नहीं आते हैं, और मतलब ऊपर वैसे भी उनका फीडर टाइप नहीं है वो सरफेस फीडर, तो वो बॉटम फीडर में ही आते हैं। तो उनको क्या करना होता है, उसमें पाइप लेना होता है, पाइप को अंदर डिप करना होता है, उसमें सिंकिंग पैलेट्स या तो फिर मीट जो होता है वो ऑलरेडी सिंक्ड रहता है तो वो डालना रहता है, ताकि डायरेक्ट जाके उनके माउथ के पास छोड़ना होता है उस चीज़ को, कि जैसे ही उनको वो फीड मिले वो हाल ले लें उसके, जैसे उनको स्मेल आए पास में, तो इस तरीके से उसको खिलाना होता है। मैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा अभी आपको। और सबसे बढ़िया काम तो होता है इस पाइप से ऐसे भोपू बजाना, बहुत करते थे छोटे में अपन। तो सबसे पहले पाइप मेथड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक पाइप लेना होगा अपन को, जिसको वाटर में डिप करना होगा, और ऊपर उसकी एक ओपनिंग रखनी होगी बाहर, जिसमें सिंकिंग पैलेट्स या सिंकिंग श्रिम्प्स या सिंकिंग मीट, कुछ भी सिंकिंग, कुछ भी फ्लोटिंग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग करेंगे तो पानी के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। और मैं किसी भी टैंक में करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास कोई भी बॉटम ड्वेलर नहीं है, कोई भी स्टिंगर या बाईचाप नहीं है, बाईचाप मेरी सारी बिचर वगैरह मर गई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें श्रिम्प डाले थे ऊपर से, वो नीचे निकल गए हैं, और यहाँ पर जैसे अगर स्टिंगरे होता तो वो आके इसको खा लेता हाल। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो है कि है अपना ये सिरिंज वाला पॉइंट, इंजेक्शन वाला, कि इससे मैं कैसे किसी भी फ्लोटिंग पैलेट्स को सिंकिंग पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे फ्लोटिंग श्रिम्प्स को मैं सिंकिंग श्रिम्प में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, और फीड दे के भी दिखाते हैं गोल्ड फिश और अदर फिशेस को। तो चलिए करते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की सिरिंज आती हैं। एक आती है छोटी अराउंड 10 ml की, ये बड़ी वाली आती है अराउंड 60 ml की। तो ये 60 ml वाली होती है, और तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सी लेनी है, कोई भी ले सकते हैं आप। मैं तो वैसे सजेस्ट करूंगा कि छोटी लीजिए, क्योंकि अराउंड 2 महीने में एक सिरिंज आपकी ख़राब हो जाएगी, जो इसका ये वाला ब्लैक वाला पार्ट होता है ये हटने लगता है कुछ टाइम बाद इसी के अंदर। तो इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए पहले इसको आप स्टिक कर लें ग्लू गन वगैरह से, फिर इसको इस्तेमाल करना चालू करें, और जब भी इसको आप फूड देने के बाद रखें तो इसको साफ़ करके रखें पानी से, एक नॉर्मल पानी से साफ करके रख दें, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो और फिशेस को प्रॉब्लम ना हो। तो आप छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, अपने पैलेट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, आपको कितना देना है क्या। और चलिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कितना वाटर लेना होता है इसमें, कैसे सिंकिंग फ्लोटिंग को सिंकिंग बनाते हैं, और फीड देके भी दिखाते हैं।
तो अब आ जाते हैं सबसे मेन मेथड पर, जो मैं आपकी वीडियो को स्टार्टिंग से बताता आ रहा था कि इंजेक्शन मेथड है, जो जिसमें आप विद इन अ सेकंड अपने पैलेट्स को, फ्लोटिंग पैलेट्स को सिंकिंग पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो श्रिंप या कोई भी फीड वगैरह कुछ भी हो तो सिंकिंग में हो जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए एक इंजेक्शन चाहिए रहेगा, जिसको सिरिंज बोलते हैं। अपन कितना ही बड़ा ले सकते हैं, छोटा बड़ा, मैंने यहाँ पर 60 ml का लिया हुआ है, आप 10 ml का भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कितना लेना है। तो सबसे पहले एक इंजेक्शन लेंगे अपन, फिर उसमें एक नीडल आती है ये वाली, जिसके थ्रू अपन इंजेक्शन लगता है ह्यूमंस को या एनिमल्स को। तो ये इसकी अपन को नीड नहीं रहती है, इसको हटा लेना होता है, वरना ये अगर लग जाएगी तो बहुत बुरी लगती है इसकी, तो उसको हटा लेंगे। फिर उसको पीछे से पूरा बाहर निकाल देंगे, इसको अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। और अब मैं थोड़े पैलेट्स लूँगा, इसमें ये जो पैलेट्स है मेरे हाथ में, इसमें ये डालेंगे पैलेट्स, ऑप्टियम 3-in-1 है ये मैंने डाला। अब इसको वापस लगा लेंगे। क्या होता है, पैलेट्स में थोड़ी एयर होती है जिसके थ्रू वो तैरते हैं, तब जब इसमें सक्शन बनाएंगे इसके अंदर, तो वो एयर की जगह पे पानी भर जाएगा, वाटर, तो जिससे वो सिंक हो जाएंगे पैलेट्स पूरे। तो अभी आपको करके दिखा दें। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी भरेंगे अपन, इसमें अपन को ज़्यादा पानी नहीं भरना है, सिर्फ उतना ही पानी भरना है जितने पैलेट सोक कर पाएँ, और सोक करने का थोड़ा सा पानी बचा रहा है बस, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं पानी भी कम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम पानी लिया हुआ है इसमें। अब इसको ऊपर से जो नोज़ल रहती है उसको बंद कर लेंगे एक हाथ से, और पीछे वाले से जो लिवर रहता है उसको खींचेंगे। तो इसको जब अपन खींचेंगे तो उसके अंदर वैक्यूम बनता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है वैक्यूम का, जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो उसके एयर होजेज में घुस जाता है फूड के, जिससे फूड अपना सिंकिंग बन जाता है। इसको बस एक या दो बार करना होता है और आपका फूड सिंकिंग बन जाता है। मेरा बन गया है, देख सकते हैं आप विद इन अ सेकंड ही। अब मैं इसको वाटर में डालूंगा और आप देखिएगा एकदम से सिंक कर जाएगा पूरा फूड, कोई भी पैलेट्स वगैरह तैरेंगे नहीं ऊपर। तो इसको बस बाद में धो लेना होता है सिरिंज को थोड़ा अलग पानी से। और फिर ये देखिए मैंने इसको डाले पैलेट्स को अंदर, और ये इंस्टेंटली सिंक हो गए सारे पैलेट्स। सारे गोल्ड फिश जो है वो नीचे से खा लेंगी और उनको ब्लोटिंग प्रॉब्लम या एयर वगैरह नहीं लेंगी फीट के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड होता है इनके लिए, सारी गोल्ड फिश को और सारी मिड ड्वेलर्स को अपन को इस तरीके से ही फीड करना चाहिए, मिड ईटर्स को। और गोल्ड फिश ग्रूमिंग की भी वीडियो आने वाली है बहुत ज़्यादा जल्दी, शायद नेक्स्ट वीडियो ही होगी, तो उसके लिए देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपको दिखाते हैं श्रिम्प को सिंकिंग बना के, जो फ्लोटिंग श्रिम्प्स होते हैं ड्राइड, तो उनको कैसे सिंक बना सकते हैं, सिंकिंग बना सकते हैं अपन। तो सबसे पहले ये इंजेक्शन लेंगे और उसके पीछे के थ्रू श्रिम्प्स डालेंगे अंदर। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए थोड़े से दिखा रहा हूँ अभी करके। फिर इसको वापस इसमें लगा लेंगे, इसका जो लिवर है पीछे वाला। फिर इसमें थोड़ा सा वाटर भरेंगे सेम एक्वेरियम का जिसमें आपको फीड डालनी है उसका। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम वाटर लिया है। अब इसको आगे से जो इसका पॉइंट है उसको दबा लेंगे, जैसे अपन ने पैलेट्स के में किया था, पीछे वाला लिवर इसको खींचेंगे पीछे की साइड, जिससे इसमें वैक्यूम और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है वैक्यूम का, जिससे जो भी एयर की जगह होती है श्रिम्प में वो सब वाटर में से भर जाती है, एयर पूरी बाहर निकल जाती है उसकी। अब ये अपने सिंकिंग बन गए, इसको मैं एक दो बार और करूँगा ताकि एकदम प्रॉपरली सिंक हो सारे। बस अब ये बन गए, रेडी है अपने ये फीड देने के लिए। अब मैं इसको वापस पूरा खोल के डाल दूंगा अंदर पानी के, और देखिए एकदम से सारी फिशेज आके इसको फीड लेना भी स्टार्ट कर देंगी। अभी सबसे पहले आएगी अपनी ग्रीन टेरर, इसने लिया फीड। अब ये ऑस्कर आएगी, ऑस्कर पूरा खा जाएगी एकदम से, और क्योंकि ऑस्कर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ईटर होती है। तो इस तरीके से अपन अपने श्रिम्प्स, पैलेट्स, कार्निवोरस, स्टेक्स, कुछ भी सिंकिंग बना सकते हैं, कुछ भी अगर फ्लोटिंग है अपने पास तो। और आपको सिंकिंग से फ्लोटिंग बनाना है तो उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा सन लाइट में, तो उस तरीके से फ्लोटिंग भी बना सकते हैं चीज़ों को अपन। तो यही था इसका तरीका, पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे मैंने विद इन अ सेकंड 2 or 5 seconds के अंदर मैंने फ्लोटिंग पैलेट्स को सिंकिंग पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे कोई से भी पैलेट्स, कोई सी भी कार्निवोरस स्टिक्स, कोई से भी श्रिम्प्स को आप इस तरीके से सिंकिंग बना सकते हैं, जो कि आपके फ्लोट करते हैं। अगर आपके पास गोल्ड फिश है या ऑस्कर्स वगैरह या मिड फीडर्स हैं, उनके लिए आपको सिंक करके ही देना चाहिए, क्योंकि उससे अगर सिंक करके नहीं देते हैं तो उससे आगे जाके ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से देना चाहिए फूड। आपने देखा कितनी अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक अभी तक यूट्यूब पर कहीं पर किसी ने बताई भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है और बहुत ज्यादा चीप ट्रिक है, अराउंड 1 syringe, ये वाली तो शायद 10 rupees की आती है और ये वाली अराउंड 30 rupees की आती है, और
ये वाली चलती है अराउंड 1 से 2 महीना और ये वाली चलती है 2 से 3 महीने। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, आपके पैलेट्स के साइज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया कि किस में कितना वाटर लेना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। और मैंने आपको पाइप मेथड भी बताया, मैंने आपको सोकिंग मेथड भी बताया, इसमें आपको डिफरेंस भी करके दिखाया पैलेट्स में कि क्या डिफरेंस होता है और पाइप मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने ये सब कुछ बताया इस वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्यूरेस वर्ल्ड के थ्रू मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं, एक एक्यूरेस वर्ल्ड, एक प्रवेश चौरसिया, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।